मन सीप का तू मोती। बैठो बैठो बैठो। जीते रहो बेटा। नवाब साहब कहाँ से हुआ है? अब कैसी तबीयत है? ठीक ही है, हर वक्त सोचों में घिरे रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। ऐसे कैसे तबीयत बहाल होगी उनकी? लेकिन आज तो तबीयत काफी बेहतर लगी मुझे उनकी। आज मुझे लगा कि नवाब साहब इशारों इशारों में मुझसे रिश्ते की बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझा नहीं, या शायद समझना ही नहीं चाह रहा था, इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ाई। किस रिश्ते की बात? शायद तुम्हारे और रतन की, लेकिन मैंने बहाने से ये नौबत आने ही नहीं दी और उनको बता दिया कि मैं आदिल की शादी अपनी बहन की बेटी से करूंगा। ना कोई हसर नसर की उलझन, ना दुनियादारी की झंझट, घर की बात घर में, इज्जत से, शान से। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं मास्टर साहब को बुलाती हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। बस दुआ करो कि आज की रात खैरियत से गुजर जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा मियाँ? बस सुबह होते ही मुंशी को फोन करो, मैंने उसे जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी। हसूरी मुंशी को फोन, मुंशी को बुलाओ, अभी मुंशी को बुलाओ। इन बड़ी शान वालों का क्या भरोसा, पता नहीं किस वक्त किस रुख बैठे। मोतबर हैं, लेकिन सियाने कहते हैं कि रिश्ता बराबरी वालों में ही करना चाहिए। अब आपके मुंह से ये बिरादरी और जात पात की बातें। बेटा मेरे सोचते या ना सोचते से क्या फर्क पड़ता है, तो सारी जिंदगी इसी सोच की असीरी में गुजार चुके हैं। मुझे तो उनकी सोच से डर लगता है। आज बीमार है तो कुछ भी सोच रहे हैं, कल को ठीक हो जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या सोचेंगे। क्या करें बेटा, उनकी सोच भी पत्थर पे लकीर जैसी होती है। चलो बेटा ये सब तो उनकी बातें, आओ हम लोग साथ खाना खाते हैं। आ जाओ जल्दी से। ये दवाइयाँ लिख दी, ये मंगवा लीजिए। बहुत बेहतर। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। नवाब साहब, मैं तो कहता हूँ मेरी बात मानिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं वहाँ आपकी देखभाल करूँगा, आपका बहुत ख्याल रखूँगा, मैं आपको पहले की तरह सेहतमंद देखना चाहता हूँ। मना नहीं कीजिएगा नवाब साहब। नहीं मुंशी, तुम हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। तकलीफ कैसी नवाब साहब, खादिम हूँ आपका, जो कुछ भी हूँ आज मैं आप ही के दम से हूँ। ये तो कुछ घरेलू परेशानियों में उलझा हुआ हूँ, वरना तो मैं आपकी खिदमत में लगा रहता। कैसी परेशानियाँ? जी वो मेरे बेटे की कई साल हुए शादी हो गई, उसकी कोई औलाद नहीं हुई। हालात उसकी दूसरी शादी की तरफ इशारा कर रहे हैं,
और अनवर खुद भी बहुत परेशान लग रहा है। अब औलाद हो और परेशानी ना हो, ये कहाँ मुमकिन है नवाब साहब? ये मैं क्या बातें ले बैठा, बस आप अपनी हिम्मत न छोड़ें, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे नवाब साहब। हम उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते मुंशी, जब तक हमारी दोनों बच्चियां अपने घर की ना हो जाएं। कुछ करो मुंशी, कुछ करो। मुझे लगता है कि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा ना कहें सरकार, ये खादिम क्या कर सकता है? आपके शायाने शान रिश्ता कहां से लेकर? हमें और शर्मिंदा मत करो मुंशी, हमें अपने किए की सजा मिल चुकी है। वक्त ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है मुंशी, इस वक्त तो हमको सिर्फ अपने बच्चियों की मुस्तकबिल की फिक्र सता रही है। हम अपने जीते जी उनको महफूज मुस्तकबिल के सुपुर्द करना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप परेशान ना हो, मैं भी आपकी दवाइयां ले, आप आराम कीजिए, बस आराम कीजिए सुकून से, सोचिए मत। मुंशी साहब। जी जी बीबी। डॉक्टर क्या कहते हैं? वो दवाइयों का नुस्खा लिख दिया उन्होंने, आप फिक्र न करें, नवाब साहब ठीक हो जाएंगे। मुंशी साहब, हमें अब मेरे की सारी बातें सुन ली, हमें आपसे बस ये कहना है, हमारी फिक्र छोड़ दीजिए, बस हमारी दुर्योधन के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लीजिए। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? जी जी बीबी, मैं समझ रहा हूँ। दुर्योधन का ही रिश्ता तलाश करूंगा, चलता हूँ, दवाइयां भी लेनी है नवाब साहब। ठहरिए, हम पैसे लेकर आते हैं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं। जेब भी मेरे पास जो कुछ भी है सब आप लोगों का ही दिया हुआ है। इस मुंशी की इतनी जरूरत की हमारी बेटी का हाथ मांगा है? चार पैसे क्या आ गए हैं, अपने आप को हमारा हम पल्ला समझने लगा। नीचे लोग क्या जाने कि ऊंची जात हस नसब शान और शौकत इज्जत आबरू क्या होती है। बात सुनो, कितने साल हो गए हमारी शादी को? तुम्हें इतने सालों में चाय बनानी नहीं आई? तुम्हें मालूम है कि मैं काली चाय नहीं पीता हूं, फिर लाके मेरे सामने रख देती हो तुम? अनवर ठीक तो है चाय। अच्छा तो मैं गलत हूं, खामखा एतराज कर रहा हूं, पागल हो गया ना मैं? उठा लो इसे, मुझे नहीं पीनी। अनवर यही बात तुम आराम से भी कह सकते थे, शोर क्यों मचा रहे हो? ये तुम्हारी बीवी है, इससे इज्जत से पेश आओ। तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी बीवी, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। क्या हो गया आपको अनवर? आप ऐसे तो बिल्कुल ना थे। बस बस, मैं इस वक्त कोई बात करने के मूड में नहीं हूं। क्या हो गया अनवर,
कुछ नहीं आया पा। थका हारा घर आने के बाद एक एक प्याली चाय नसीब नहीं होती है। ये चाय देख रही हैं आप, ये काली स्याह चाय। घर में सब कुछ है, दूध है, चीनी है, पत्ती है, ये क्या जुशांदा बना के लिए, देखा नहीं? बस करो अनवर। ठीक ये तो कह रहे हैं अब्बा, इतने सालों से इस औरत से प्यार से ही तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसे समझ में नहीं आती। अब बेचारा गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब खड़े खड़े हमारी शक्ल क्या देख रही है? जा, बहुत जरूरी बात करनी है हमें। कराची कब तक आ रहे हैं? इसी बात का तो हौसला है। अगर आप ना होते तो शायद हमारे लिए ये वक्त इससे कहीं ज्यादा कड़ा होता। ज़ेब बीबी, हजूरी हमें आवाजें दे रही हैं, हम फोन रख रहे हैं, बाद में होती है बात। ज़ेब बीबी, ज़ेब बीबी। जी हजूरी। बीबी वो नवाब साहब की तबीयत बिगड़ गई है। या मेरे अल्लाह, क्या करें हम? अरे आप जल्दी से मुंशी साहब को फोन करें, उन्हें बुलाएं। दूर दिन कहाँ है? उनको मैं नवाब साहब के पास बिठा के आई हूँ, आइए जल्दी। हेलो हेलो, मुंशी साहब को जरा जल्दी से बुला दीजिए, अब्बा मियाँ की तबीयत बहुत खराब है, बहुत जरूरी काम है उनसे। आप शायद ज़ेबुन्निसा बात कर रही? जी जी, मैं ज़ेबुन्निसा ही बोल रही हूँ। जी मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ, बोले क्या काम है? और बेवक्त अब्बा को परेशान करने की वजह पूछ सकती हूँ? अब्बा मियाँ की तबीयत बहुत खराब है इसलिए। ओह अच्छा, तो ये बात है, लेकिन अब्बा इस वक्त आराम कर रहे हैं, जब उठेंगे तो मैं आपका पैगाम दे दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी इनकी फैमिली में कुछ भी होगा तो अब्बा ही याद आ देंगे। जी नवाब साहब। शाम होने को आई मुंशी, हमें तो लगता है जैसे ये सफर भी खत्म होने को है। नहीं नवाब साहब, नहीं इस तरह मत सोचे, अभी तो बहुत सफर बाकी है, और अगर ऐसे में मंजिल की बजाय शाम की फिक्र होने लगी तो कहीं मंजिल ही बुरा ना मान जाए। हिम्मत रखे नवाब साहब, हमारी बच्चियों का क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारी बच्चियों का, ये फिक्र तो हमको सुकून से मरने भी नहीं दे रही। मुझे कुछ करो कुछ मुझे। जी नवाब साहब, मैं कुछ करता हूँ, घर की औरतों से बात करता हूँ, आप तसल्ली रखें, जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा नवाब साहब। मैं पानी लेके आता। अच्छा तो नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि नवाब साहब जो परों पर पानी नहीं पड़ने देते थे, आज अपनी बेटी के लिए रिश्ते की भीख मांग रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कहां से ढूंढूं मुनासिब रिश्ता? मुनासिब रिश्ता तलाश करने की क्या जरूरत है, रिश्ता तो मौजूद है, बस इधर उधर नजर डालने की जरूरत है। क्या मतलब, किसकी बात कर रही हो तुम? भाई मैं अपने अनवर की बात कर रही हूँ, और किसकी? शाइस्ता, ये तुम क्या कह रही हो? बस तो फैसला हो गया, आपको किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर जाऊंगी, एक बार फिर झोली फैलाऊंगी, मिठाई लेके जाऊंगी, फूल लेके जाऊंगी, और बहुत चाव से रिश्ता मांगूंगी। आप बेफिक्र हैं, बस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझे? बस ये रिश्ता तय हो गया। दुर्रे अदन अनवर की दुल्हन बनेगी, अनवर की दूसरी बीवी नवाब जादी दुर्रे अदन।
अरे होश में तो होश है इसका, तुम जानती हो क्या कह रही हो तुम? हाँ मैं जानती हूँ, तभी तो मैं कह रही हूँ। देखिए अब्बा, इस तरह करने से नवाब साहब के और हमारे घर के मसले भी सॉल्व हो जाएंगे। हर किस नहीं, ना मैं ये ज्यादती दुर्योधन के साथ कर सकता हूँ, ना जमीला के साथ और ना बिलाल के साथ। मैं तो हैरान हूं कि तुम ये सोच भी कैसे सकती हो। देखो शाइस्ता, आइंदा मुझे इस किस्म की कोई बात नहीं सुननी तुमसे। कहाँ खोए हुए हो भाई? बैनर तो लग गए सारे जी। अच्छा मैं अब जा रहा हूँ टीचर एसोसिएशन की मीटिंग में। और दुर्योधन नहीं आई अभी तक? अब बस आती होगी। देखो बेटा, गाड़ी वाले को आने जाने के टाइम अच्छी तरह बता देना, ऐसा हो किसी किस्म की तकलीफ हो। जी ठीक है अब्बा, आज से कुछ और बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगा तो दुर्योधन को झिझक भी नहीं रहेगी। ओके बेटा, अच्छा मैं चलता हूँ। और देखो मेरा बच्चा, ध्यान से, और दुर्योधन को छोटी क्लासेस से स्टार्ट कराना, और आज ही। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। अच्छा है। आज से और बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगा और टीचर्स को भी, तो आपकी कंपनी भी रहेगी और ये जो थोड़ी सी झिझक है ना, ये भी जाती रहेगी। तो आज से ये आपकी क्लास है और क्लास से मुतालिक सारे लवाजमात। कौन सी उम्र के बच्चे हैं ये? पूछ ले। ठीक है, तो सभी क्या एक ही क्लास में है? जी। कौन से स्कूल के? ये हमारे स्कूल। ठीक है, तो क्या नाम है आपका? आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? जी आपा बिल्कुल ठीक हूँ। अदन चली गई? आज उसने एकेडमी जाना था ना पढ़ाने के लिए। जी आपा। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा था, लेकिन माशाल्लाह वो ठीक ठाक से पहुंच गई। चलो गुड, अब्बा जान और तो नहीं बिगड़े उस बात पे? नहीं आपा, अभी तक तो नहीं। आप कब आ रही हैं? कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊँ, बस भाई और भाभी के लंदन जाने का इंतजाम कर रही हूँ और बहू के कुछ कागजात भी मुकम्मल करने हैं सिटीजनशिप के लिए ना। सो तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही आपा, आपने तो चंद दिनों में हमारी दुनिया ही बदल दी है। अब आप यहाँ नहीं है तो डर सा लग रहा है कि कहीं फिर से। बस यही सोच तो बदलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तुम इस घुटन से बाहर निकलना सीखो और अदन को भी निकालो, तुम ही बुजदिल हो जाती हो बात बात पे। जी हिम्मत करने से ही हालात बदलते हैं। मैं जितना कर सकती हूँ मैं करके जाऊंगी, लेकिन जेब तुम्हें भी अपने आप को बदलना होगा ना। देखो हालात के मुताबिक खुद को बदलने के बजाय हालात को अपने मुताबिक बदलना सीखो। पका से बात हुई तुम्हारी? तभी हुई थी जब वो जा रहे थे। देखो उससे रब्ता रखा करो, उसको भी अच्छा लगेगा और वो वैसे भी इतना कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए। जी आपा। अच्छा चलो फिर बात होती है, अब्बा जान को सलाम कहना मेरा, मैं चलती हूँ। जी अब्बा ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
एक तो इस बिजली ने बहुत तंग किया हुआ है, सुबह से कभी जा रही है कभी आ रही है, और ऊपर से ये मुआ यूपीएस। ओहो हसूरी, आप अपना खून क्यों जलाती हैं? अब बिजली इतनी जाएगी तो बेचारा यूपीएस क्या करे? हम मोमबत्ती लेकर अब्बा मियाँ के कमरे में जा रहे हैं, और दूसरी हमने किचन में रख दी है, आप दूध गर्म करके अब्बा मियाँ के कमरे में लेकर आइए। जी बीबी, बीबी संभल के जाइए। अब्बा मियाँ उठ जाइए, दवा ले लीजिए। अभी कुछ देर लेटे रहने दो हमें। आपकी दवा का वक्त हो गया है, अभी हजूरी गरम दूध लेकर आएंगी, पी लीजिएगा, फिर भले लेटे रहिएगा। घर में राशन के क्या हालात हैं? वो फाखरा आपा ने पैसे दिए थे ना, तो मैंने महीने भर का राशन मंगवा लिया, और कुछ पैसे मैंने भी जमा किए हुए हैं ना। वो भी कब तक चल पाएंगे? जब खत्म हो जाएंगे तो कहाँ से जमा करोगे? क्या बनेगा, क्या बनेगा तुम दोनों का, हमें कुछ समझ में नहीं आती। अब्बा मियाँ आप मायूसी की बातें क्यों करते हैं? और वैसे भी दुर्योधन की तनख्वाह मिलने वाली है, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। यानी कि अब हम औरतों की कमाई खाएंगे? दुर्योधन कहाँ है? दुर्योधन अपनी किताबें अलमारी में रख रही हैं। बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, उसको काम करने दो बेटा। बस ये यहाँ रंग तो धोए, अब चाहिए हम कर लें। अब हम यहाँ थोड़ा सा ले लें। कैसी हैं आप जेब आंटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बेटा? मैं ठीक। बाबा कहते थे कि जब हम कराची आएंगे तो आप हमसे मिलने आया करेंगी, मगर बेटा हमारे बाबा की तबीयत नहीं ठीक, जैसे उनकी तबीयत ठीक होगी हम जरूर आएंगे। मैं दुआ करूँगी आपके बाबा जल्दी ठीक हो जाएं। जरूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह बच्चों की दुआएं जरूर सुनते हैं। अच्छा ये बताइए, पापा से बात हुई आपकी? कैसे हैं वो? काफी दिन से रابطہ नहीं किया उन्होंने। नहीं वो मीटिंग में गए हैं, वो आजकल बहुत बिजी रहते हैं, जब वो आएंगे तो फिर हम लोग उनकी मिलकर खबर लेंगे। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने सोचा उस्तानी जी तो मसरूफ होंगी, मैं खुद ही चली जाती हूँ, और ऐसे मौके पे मीठा तो बनता है ना। बहुत बुरी हो तुम। हाँ वो तो मैं हूँ। अच्छा मुझे बताओ कैसा रहा पहला दिन पढ़ाने का? बहुत अच्छा, हमें पता ही नहीं लगा कि हमारा पहला दिन है। आदिल इतना अच्छा है, समझदार, सोबर, इतने अच्छे से समझा दिया सबके। वैसे एक बात कहें तुमसे, अच्छा किया जो आदिल को तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। देखो हम तो मोहब्बत से वैसे ही बद दिल हैं, वरना पक्का चुरा लेते तुम्हारे आदिल को तुमसे। अच्छा खासा हैंडसम, डैशिंग। अरे शादी तो तुम्हें आदिल से ही करनी पड़ेगी, ये बात याद रखना। मोहब्बत करती है उसे।
हाँ भाई हिसाब किताब रखिएगा। देखिए हाँ हिसाब जो जो बख्शीश सौ सौ। ठीक है बेटा जीते रहिए। जजाक अल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। चाय। भाई मैं जानती हूँ कि आप उस नवाब साहब की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। अब उसकी इज्जत की खातिर आप मेरी अनवर की और नौरीन की जिंदगी बर्बाद तो नहीं करेंगे ना? शाइस्ता खुदा के लिए इतने सख्त अल्फाज ना बोला कर। भाई जब हालात सख्त हो ना तो सख्त लफ्ज बोलने पड़ते हैं, सख्त इकदाम करने पड़ते हैं। और आप कौन सा उनके साथ बुरा कर रहे हैं? खुदा की मार पड़ी हुई है, अपने गुरूर की वजह से उनके साथ ये हाल हो रहा है। याद नहीं किस तरह हमारे सामने आपको रुस्वा किया करते थे? शाइस्ता खुदा के लिए डर अल्लाह से। भाई उन्हें वैसे भी सहारा चाहिए ना, इज्जत चाहिए, ये दोनों चीजें हमारी तरफ से उन्हें मिल जाएंगी। और रही बात वो ज़ेबुन्निसा की, तो उसके लिए भी हम लोग सोच समझ के कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। देखे ना पा, हमारे इस तरह करने से अनवर की जिंदगी में जो महरूमी है वो भी पूरी हो जाएगी, इस तरह मेरा और नौरीन का घर भी बसा रहेगा। और रही बात वो जमीला की, तो भाई जमीला को कौन सा कोई घर से निकाल रहा है, पड़ी रहेगी इस घर के किसी ना किसी कोने में। या अल्लाह तो इसे हिदायत दे, हिदायत दे। सही बातें भी ना आपको कड़वी लगती हैं। A for apple, B for ball, C for bat, D for ball, A for apple, apple किसे कहते हैं? Sip. Sip को। और B for कैसी है? ठीक हो? पानी लाऊं आपके लिए? अरे कौशिया को क्या हुआ? देखो तो सही, आज हम आपके लिए चॉकलेट लेकर आए। और अबैद, और बाकी की हम इधर रख देते। और अगर आज आप लोगों ने कल की तरह टेस्ट किया तो और मिलेगी। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे आज आप लोग? तो आप कैसा लग रहा है यहाँ पर? आप बहुत अच्छा, सच बोल रहे, तो हमें हिम्मत महसूस होने लगी है, लेकिन अभी भी कभी कभी मास्टर साहब को देख के घबराने लगते हैं। सब ठीक हो जाएगा खुद ही, और ये घबराहट नहीं है, ये झिझक है, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। एक बात पूछें? जी जरूर। क्या आप जानते हैं कि सुमैया किसको पसंद करती है? नहीं। और आपने कभी उसे पूछा भी नहीं? नहीं। अजीब बात है, वैसे हमने भी पूछने की कोशिश की। आपने पूछा? लेकिन हम भी बाज नहीं आए, बड़ा कोरेदा उसे। तो फिर पता चला कि ये बात तो उसने उसको भी नहीं बताई जिसे वो मोहब्बत करती। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि वो जिससे प्यार करती है उसने उसे खुद बताया कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। हमें आपकी मदद चाहिए, हम सोच रहे थे हम और आप मिलकर सुमैया की अम्मा के पास चलते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो हमारी मदद करे। लेकिन आपा यूं अचानक? क्या अचानक अचानक की रट लगा रखी है? हाँ क्या सारी जिंदगी इस बांझ औरत का घुटना पकड़ के तुम बैठे रहोगे? भाई इस घर में रौनक अच्छी लगेगी, तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े। देखो हम कहीं पे भी तुम्हारा रिश्ता लेने जाएंगे ना, उनका पहला मुतालबा यही होगा कि अपनी पहली बीवी को तलाक दो। मुझे पता है तुम्हारे लिए करना मुश्किल होगा, और आप यकीन करें मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन नवाब साहब ऐसा नहीं कहेंगे। अरे वो तो बेचारे बीमार हैं, अपनी जिंदगी से मायूस हो गए, उन्हें तो बस कोई ऐसा मिल जाए जो उनकी पोती को ब्याह के ले जाए, उनका सहारा बने। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो तो सही है आप,
लेकिन मैं जमीला को तलाक नहीं दूंगा। हाँ हाँ मैं भी तो यही कह रही हूँ। देखे अब्बा अनवर राजी हो गया, बस मैं अभी रिश्ता लेके जा रही हूँ, ठीक है, और आप मेरे साथ चल रहे हैं। ओहो आप क्यों घबरा रहे हैं, आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई हैं? कौन सा मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ, बल्कि हम नवाब के साथ नेकी करने जा रहे हैं। क्यों अनवर, देखें अब वो भी राजी है। हाँ एक तो हर बात में जो ना आपका मूड अजीब अजीब सा होता है, सोचते ही रहते हैं। सुमैया, सुमैया क्या हुआ आपी? अरे आज मुझ पे इतना प्यार कैसे आ रहा है? क्या हो गया आपी? दिल चाह रहा जमाने भर की खुशियां लाकर अपनी बहन की झोली में डाल दूं। बस तुम खुश रहो, आबाद रहो, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कोई भी नहीं है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दोगी और मैं कुछ नहीं करूंगी? मैंने साफ कह दिया अकबर चाहे मुझे रखे या निकाल दे, मेरी खुशियों के लिए मेरी बहन इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देगी। ये क्या किया तुमने? मैं बहुत खुश हूं। नहीं तुम खुश नहीं हो सुमैया, मैं जानती हूँ तुम्हारे चेहरे पर असली खुशी तब आएगी जब तुम आदिल की हो जाओगी। ये क्या कह रही हो? मुझसे मत छुपाओ, मैं जानती हूँ तुम आदिल से बहुत प्यार करती हो, मैं बात करूंगी आदिल से। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम, वादा करो मुझसे आदिल से कोई बात नहीं करोगी इस बारे में। मगर क्यों? क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करता है, किसी और को चाहता है वो। बहुत अच्छा दोस्त है और मैं दिल से चाहती हूँ कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, लेकिन तुम वादा करो कि कोई बात नहीं करोगी उससे। मैं नहीं चाहती वो मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचे, और मैं किसी कीमत पर भी अपना ये दोस्त खोना नहीं चाहती। वादा करो मुझसे तुम बिल्कुल उससे कोई बात नहीं करोगी, बस। नसीब का तुम
होती।